बिहार में पुलिस कर्मियों ने थाने में ही मनाया छठ पर्व। दरअसल छठ पूजा के दौरान बिहार पुलिस के ज्यादातर पुलिसकर्मी अपने घरों से दूर अपनी ड्यूटी में लगे रहते हैं, लेकिन छठ पूजा और इसकी महिमा है ही ऐसी कि ड्यूटी पर तैनात बिहार पुलिस के पुलिसकर्मी और अधिकारी छठ पूजा में शामिल होने का बहाना और तरीका ढूंढ ही लेते हैं। ताजा तस्वीरें हाजीपुर के सदर थाने की हैं, जहां थाने से महिलाएं हाथों में सूप, सूप में रखा छठ पूजा का प्रसाद और कपड़े लेकर निकलती दिखाई दे रही हैं। तो वहीं थाने के अंदर थानेदार और थाने के पुलिसकर्मी महिलाओं की भीड़ को छठ पूजा का प्रसाद बांटते दिख रहे हैं। थाने के टेबल पर FIR के पेपर की जगह नारियल, केले और छठ का प्रसाद है। इतना ही नहीं, थानेदार एक एक कर महिलाओं को छठ पूजा की शुभकामना देते दिख रहे हैं। दरअसल सदर थाने के थानेदार राजन पांडे ने बताया कि पिछले कई सालों से छठ पूजा के दौरान घर जाने या पूजा में शामिल होने का मौका नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वे हर साल छठ पूजा के लिए अपने थाना क्षेत्र की महिलाओं को पूजा से पहले थाने में आमंत्रित कर उन्हें पूजा में मदद किया करते हैं। वो कहते हैं कि थाने में छठ का माहौल और गरीब महिलाओं को पूजा में मदद ही उनके लिए छठ पूजा है। थाने में हम लोग छठ की तैयारी देख रहे हैं। छठ में सारे लोग अपने परिवार के साथ में छठ मना रहे हैं। हमने भी सोचा कि हम तो घर से बाहर हैं, लेकिन छठ व्रतियों के साथ में वैसे लोग जिनको छठ तो करना होता है लेकिन उनके पास सामान इकट्ठा नहीं हो पाते। मैंने वैसे लोगों को सूची बनवाया और थाना में अपने स्तर से, ताकि मैं भी इस छठ महापदाधिकारी हूँ, उनका सहयोग काफ़ी अच्छा रहा और उनके सहयोग से वैसे देखते हैं छठ करना चाहते हैं, लेकिन उनको जो है छठ करने के लिए सामान जो है जो उचित सामान जो चाहिए था उनको हम लोग से जो है छठ में दिया है, ताकि हम भी इस खुशी के पल में शामिल हो सकें। ऐसा कभी दर्द होता है कि छठ में सब लोग अपने घर पे होते हैं और पुलिस वाले आज आप जैसे लोग नहीं जा पाए? कि हम लोग भी जो है छठ पर जो भी करते हैं तो उनको भी सुरक्षा चाहिए और बहुत ऐसी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो छठ होता है उसी में हम लोग शामिल होकर अपने खुशियों को जो है घर से बाहर होने का तो दर्द होता है, लेकिन खुशी में शामिल होकर के हम लोग जो भी दर्द होता है उसको हम
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।